आज के हमारी मेहमान बेहद खास बेहद चुलबुली बेहद खूबसूरत और हर बार जब भी वो नई कहानी लेकर आती हैं तो इसमें कुछ अलग होता है जिसे कोई भी पर्दे पर उन्हें भूल नहीं पाता जी हाँ नेहा शर्मा आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी थैंक यू इलीगल काम क्यों कर रही हैं आप <laughs> दूसरी बार कर रही हैं आप ये काम क्यों एक्चुअली uh, सिर्फ इनिगल शो कर रही हूँ इनिगल काम मैं नहीं करती जस्ट लाइक निहारिका आई बिलीव लिविंग बाय द लॉ एंड आई थिंक लॉ इज़ वेरी इंपॉटेंट तो इ लीगल टू में ज़रूर आ रही हूँ और उम्मीद यही है कि जैसे कि लोगों ने इ को इतना सारा प्यार दिया इ लीगल टू को भी ढेर सारा प्यार दें तो मैड लॉ जो हैं वो वापस आ चुकी हैं तो इलीगल टू के लिए निहारिका के किरदार के लिए क्या कुछ इस बार प्रिपरेशन करके आई हैं आप पहली बार जब मैंने लॉयर का रोल सोचा कि करना है तो uh, जितना स्टडी कर सकते थे हम अबाउट लीगल फर्म्स क्योंकि ये पहला शो था जो लॉयर्स की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को दिखाता है बिकॉज यूज़ुअली फिल्मों में आमतर यू नो यू शो केसेस एंड कोर्ट रूम्स बट इसमें हम ऑफिस uh, दिखा रहे हैं कॉरपोरेट लॉ दिखा रहे हैं उनका पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं सो वी डिड हैंग आउट विद अ लॉट ऑफ लॉयर्स ताकि हम वो समझ सकें एक्चुअली हमारे शो में एक लॉयर भी थे सत्यदीप इज प्लेइंग पुनीत इज़ एन एक्स लॉयर बाय द वे टर्न इन टू एन एक्टर तो उनके साथ बैठ कर के हमने जैसे कि वी वर ऑलवेज जैमिंग की क्या लिंगो होना चाहिए क्या कैसी भाषा में बात जी, करते हैं तो so वो सारी चीज़ें ऑफकोर्स साहिरन समर जिन्होंने शो लिखा था yeah. और कंसेप्चुलाइज किया था उन्होंने दे मेड श्योर गिव अस ऑल द डेटा पॉसिबल सो दैट वी कैन फील लाइक हम वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड जी नेहा जैसे कि कुछ कानून की बात करें तो लॉज होते हैं अलग अलग उनके ना, नाम नंबर तो वो सारी चीज़ें भी आपको याद रहने लगी हैं ओ माय गॉड आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है बिकॉज ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ द शो मुझे ऐसा लगा था मैं वापस स्कूल में आ गई हूँ अच्छा बिकॉज आर्टिकल दिस वन सिक्सटी थ्री सब टेक्स दिस दैट उतना सब कुछ याद करना फील्स लाइक like आपका एग्जाम हो रहा है हर दिन एंड आई फील लाइक मेरे तो इतने लाइन से मोनोलॉग्स पे मोनोलाग्स जब हम कोर्ट सीन्स करते हैं विच वॉज वेरी लाइक ओ माई गॉड मुझे बस यही था कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ मैं कोई भी सेक्शन और पार्ट ना मिस करूँ सो इट वॉज क्वाइट ट्रिकी दैट वे बट बहुत मज़ा आया इलीगल के पहले पार्ट की बात करें तो उसको तो बहुत प्यार दिया गया लोग इंतजार कर रहे थे बाकायदा इलीगल तो अब आप लेकर आ रही हैं तो नेहा ये तो ओटीटी पर आपके सारी जो दमदार कॉन्टेंट है वो आ रहे हैं फिल्म को लेकर क्या क्योंकि अब तो थिएटर्स भी खुल चुके हैं तो फिल्म बड़े पर्दे पर कब हम आपको देख पाएंगे एक्चुअली मेरी एक फिल्म है जोगीरा सारा ला ला वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ है He's, I'm a huge fan of him. Uh, है ही ह्यूज फैन ऑफ कॉम तो तो उसको लेकर के बहुत एक्साइटेड तो छोटे पर्दे पर तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ही बड़े पर्दे पर आई थिंक टू रिलीज जी जी ओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके तो बहुत सारे मतलब ओ क्वीन कहें तो गलत नहीं होगा बहुत <laughs> सारे उस पर आ चुके हैं तो आपको क्या लगता है कि ओ जो है अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक भविष्य के तौर पर उभरेगा क्या लोग कहीं थिएटर जाना कम ही प्रेफर करेंगे अब आई रियली कान कॉमेंट ऑन दैट क्योंकि मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सूर्यवंशी आई थी थिएटर्स में एंड लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया लोग बहुत सारी तादाद में गए देखने के लिए जी. तो हमें शायद ऐसा लग रहा था कि ओ के आने के बाद लोग घर पर बैठ के सब कुछ हाँ, देखेंगे हाँ, बट मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि लोग अभी भी थिएटर्स में जा वो फिल्में इंजॉय करना चाहते हैं सो दे विल बी अ डेफिनेट बैलेंस आई फील लाइक ओ टी टी पे भी लोग चीज़ें देखेंगे एंड थिएटर में भी चीज़ें देखेंगे तो नेहा शर्मा ओ को क्या मानती हैं किस तरह देखती है अपने निजी काम के लिए हम आई फील ओ में एक सबसे बड़ी बात ये है कि बॉक्स ऑफिस प्रेशर नहीं है तो द कॉन्टेंट दैट यू आर मेकिंग इज़ विद पैशन आई मीन वो हम ये नहीं सोचते कि ये ये क्या चलने वाला है ये क्या ऑडियंस इट्स अ डरेक्टर्स मीडियम उनका विजन है जो वो खुलकर प्रजेंट uh, करते हैं सो आई फील लाइक ओ टी टी हैज दैट क्वालिटी जहाँ पे आप उन चीजों में बंध के नहीं रह जाते कि ये बॉक्स ऑफिस पे चलेगा एक मसाला गाना डाल दो यू स्टिल फील फ्री टू डू योर ओन वर्जन लाइक अ डायरेक्टर इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम आई फील तो वो एक फ्रीडम है ओ टी टी में तो आप, आपने कहा कि शुक्रवार का जो प्रेशर होता है वो नहीं होता तो किस तरह का प्रेशर ओ टी टी पर होता है Uh, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एक्टर्स जिन्हें आई मीन थिएटर्स की जो फिल्में होती थी पहले दे अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ फिल्म एट मेड और बहुत सारे एक्टर्स लड़ते थे कि जी, ये रोल किसको मिलेगा तो आई फील ओ टी टी के आने से बहुत सारा काम हो रहा है एंड आई फील लाइक बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड काम <coughs> मिलना वॉज अ बिग डील सो आई फील लाइक इट्स अ ग्रेट थिंग सब लोग काम कर रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ प्रेशर्स ऑन ओ टी टी सिर्फ यही है कि शो uh, को कैसे ऑडियंस uh, कैसे लेती है उनका रिस्पॉन्स क्या होता है बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट ऑन ओ टी टी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन नहीं है बट रिस्पॉन्स तो उसी ऑडियंस का है uh, चाहे आप उसको नंबर्स में uh, mm -hmm. कर पाएँ इवेल्यूएट या नहीं बट डेफिनेटली यू हैव वेज टू नो कि आपका शो चल रहा है लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं और यहाँ पर तो एक जो सीमा होती है वो भी नहीं क्योंकि ग्लोबल ऑडियंस या किसी देश के कोई भी आपके जो उस कंटेंट को देख सकते हैं नेहा बात करें तो आप बिहार से आती है और बिहार से आए हुए बहुत सारे टैलेंट जो हैं हमारे बॉलीवुड में है पंकज जी मनोज जी अभिनेत्री के तौर पर आप बिहार से आती है आपने इतनी अच्छा काम किया है क्या लगता है कि से फीमेल आर्टिस्ट जो है, वो इतनी कम है और कामयाब होती है मुझे नहीं पता I mean, ये तो सवाल uh, मैंने कभी सोचा नहीं है आई जस्ट फील लाइक जो लोग मेहनत कर रहे हैं और टैलेंटेड है like, uh, like सारे जो लोग हैं उनको फाइनली उनका ड्यू तो मिल ही रहा है आई फील

कि कदम वहाँ रखेंगी या फिर क्या ओपिनियन है आपका आई थिंक um, जो अभी डैड कर रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ उनसे क्योंकि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन एंड वो जितना कर सकते हैं अपने शहर के लिए कर रहे हैं सो आई लुक अप टू हिम एंड अभी मेरा फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है क्योंकि मैं uh, अभी फिल्मों में ओ टी हाँ. में आई एम वेरी हैप्पी विद वाट हैपनिंग एंड मुझे फाइनली वो कॉन्टेंट करने का मौका मिल रहा है जो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू सो आई एम गोन फोकस ऑन दिस बाद की बाद में देखेंगे तो जब आप जाती हैं अपने घर बिहार तो वहाँ पे लोगों का कैसा रिएक्शन होता है कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं बॉलीवुड को लेकर जो एक थोड़ा सा वहम होता है उसको लेकर एक्चुअली मुझे लगता है कि दे गिव मी अ लॉट ऑफ लव एंड दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट दैट लड़की होकर के मैंने hmm. एक छोटे शहर से आकर के यहाँ पे एक मुकाम हासिल किया है विच इज़ इन इट्सल्फ अमेजिंग आई कैन सी इट इन दर आइज़ वो जो एक um, प्यार है रिस्पेक्ट है जो विच वी यर्न फॉर आई फील दैट आई गेट दैट एट होम एंडल बॉन्ड दैट आई हैव विद दम तो अच्छा लगता है आखिरकार वही भी कमाया ही जाता है जी बेहद ज़रूरी तो हम तो जानते हैं कि आप कत्थक में भी एकदम एक्सपर्ट हैं तो हम बड़े पर्दे पर या फिर कब आपको हम कत्थक करते देख पाएंगे एक्चुअली ऐसा मौका नहीं मिला बिकॉज कोई भी uh, ऐसी डांस फिल्म अभी तक तो ऑफर नहीं हुई है बट आई वुड लव टू डू बिकॉज इंडियन ट्रडिशनल डांस इज़ समथिंग एल्स एंड कथक इज ब्यूटिफुल सो वेन एवर जब भी मुझे मौका मिलेगा आई वुड लव टू डो शायद हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी इलीगल लीगल टू तो आ रहा है हम सब बेहद एक्साइटेड हैं इसके अलावा नेहा शर्मा क्या लेकर आ रही हैं हमारे लिए खास इ लीगल टू ट्वेंटी फिफ्थ को रिलीज़ हो रहा है ओ टी टी पर उसके बाद जोगीरा सारा रारा वो एक फिल्म है रोमांटिक कॉमेडी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जो थिएटर में आने वाली है सो विल वेट अ लिटिल एवरी थिंग इज़ ओपनिंग अप सो जैन फैप आई थिंक दे शुड लुक एट रिलीज़ सून नेक्स्ट ईयर जी तो मतलब बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं है अलग बहुत अलग, अलग किरदार में मजेदार रोल में देख पाएंगे तो उन्हें हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इलीगल टू और आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ढेर सारी